आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको यूज करना है एक बॉल पेन, तो आप चाहेंगे कैसा पेन जो कि स्मूथ चले, स्मज ना हो, एंड एट लास्ट जब आपकी कॉपी पूरी भर जाए तो वो बहुत ही क्लीन दिखे। तो गाइज, मेरा नाम है अर्पित, नाम देख रहे हैं स्टूडेंट यार्ड, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज बेस्ट स्टेशनरी कॉन्टेंट। एंड गाइज, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं बेस्ट बॉल पेन फॉर एग्जाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, हमारे पास काफी सारे बॉल पेन हैं जिनको हमने गाइज सिलेक्ट किया है आउट ऑफ ऑलमोस्ट 150 पेन। तो गाइज, हमने इतने सारे बॉल पेन आपके लिए टेस्ट करे, एंड ये कुछ पेन है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड कर लिया है, एंड आपको हम बताने वाले हैं कि आपके लिए इनमें से कौन सा पेन बेस्ट रहेगा। अच्छी बात ये कि ये सारे बजट पेन से हमने 5 रुपीज से लेकर 35 रुपीज तक के एमआरपी के पेन ही आपको सजेस्ट किए हैं। तो गाइस, आप पे से हर कोई ये पेन ले सकता है। तो गाइस, आज हम आपको हमारी रिकमेंडेशंस बताने वाले हैं। इससे पहले हम एक और वीडियो आपके लिए ला चुके हैं, बेस्ट जेल पेन्स फॉर एग्जाम या फिर रोलर बॉल पेन्स, वो आपने आई गेस देख लिया होगा, है ना। नहीं देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। आज हम आपके लिए लिखा है, बॉल पेन की बहुत रिक्वेस्ट थी तो बॉल पेन का वीडियो। तो गाइस, इन सारे पेन्स को हमने कुछ फैक्टर्स पर डिसाइड किया है। बेसिकली जो बॉल पेन है वो स्मज नहीं होना चाहिए, वो बहुत स्मूथ चलना चाहिए, उसकी जो इंक है उसमें से कोई भी ओडर नहीं आना चाहिए, कोई भी स्मेल नहीं आना चाहिए। एंड गाइस, ओवरऑल जो अपीयरेंस होना चाहिए बॉल पेन का लिखने के बाद, बहुत ही क्लीन होना चाहिए। तो गाइस, इन सभी फैक्टर्स पे आपको यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिख रही होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कुछ बोल्ड पेन्स जो कि थिक चलते हैं, जिनका पॉइंट साइज 0.7 से 1 mm तक है। देन यहाँ पे हमारे पास है बहुत ही फाइन पेन, काफी लोगों की डिमांड होती है सर ऐसा पेन बताएं जो बहुत ही एकदम फाइन चले, तो ये पेन है। देन गाइज, यहाँ पे हमारे पास है कुछ 10 रुपीज के पेन, देन यहाँ पे हमारे पास कुछ 5 रुपीज के पेन, यहाँ पे हमारे पास है कुछ ओवरऑल बेस्ट जो मुझे यहाँ पे लगे। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही फाइन पेन है। तो गाइज, हमारे पास आ चुके हैं हमारे फाइन पेन्स, और भी जो पेन्स है नीचे टाइम स्टैम्प्स है, तो आप अपनी पर्सनल कैटेगरी जो आप देखना चाहते हैं वहाँ पे स्किप करके देख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइन पेन्स है, 4 पेन मुझे बहुत अच्छे लगे, चारों बहुत ही सस्ते पेन है। तो गाइज, मेरा ओवरऑल जो इनमें सबसे ज़्यादा फेवरेट, अगर आपको एकदम शार्प पेन चाहिए तो वो यहाँ पे एक पेन है जो कि जिसका नाम है सेलो ग्रिपर। तो गाइज, ये काफ़ी फेमस पेन है, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके होंगे। तो ये काफ़ी शार्प पेन है, पकड़ने में इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, एंड आप देख सकते हैं ये लिखता बहुत स्मूथ है, ठीक है, एंड एकदम फाइन लाइंस इसकी आती हैं। तो अगेन गाइज, बहुत ही प्यारा मुझे पेन लगता है, स्मज भी काफ़ी कम होता है। इसके बाद जो दूसरा पेन गाइज मैं रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ पे, वो है सेलो की तरफ से आने वाला पिन पॉइंट। तो गाइज, यहाँ पे जो पिन पॉइंट है 0.6 mm, ये भी काफ़ी प्यारा पेन है यार। अब है तो ये 0.6, बट आप यहाँ इसका पॉइंट देखेंगे ना तो ये काफ़ी शार्प चलता है, एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट पेन है इसको पकड़ के लिखने में। तो बेसिकली काफ़ी स्मूथ इससे हैंड राइटिंग आती है, यहाँ पे इसमें आपको रबराइज ग्रिप भी देखने को मिल जाती है कुछ इस टाइप से। तो अगेन अ गुड पेन। थर्ड पेन गाइज, यहाँ पे जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है लिंक का ग्लाइसर। तो यहाँ पे आप देखेंगे गाइज, अगेन अ वेरी फेमस पेन, ये सारे काफ़ी फेमस पेन है ऑलरेडी। तो लिंक का ग्लाइसर गाइज, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ पेन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पकड़ने में काफ़ी अच्छा चलता है। तो अब किसको ग्लाइसर लेना चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी डार्क है। तो गाइज, बेसिकली आपको अगर एक लाइट पेन चाहिए तो आप जा सकते हैं ग्रिपर के साथ, अगर आपको थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए पतले पॉइंट में, देन गाइज यहाँ पे आपका लिंक ग्लाइसर एंड सेलो का पिन पॉइंट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर गाइज आपको रिट्रैक्टेबल ऑप्शन चाहिए, मतलब वो क्लिक क्लिक वाले पेन चाहिए, एंड अगर मेरा पर्सनल फेवरेट आपको बताऊं तो 20 रुपीज में गाइज आपके पास आता है लिंक का सिग्नेटा। एंड स्पेशली मैं बोलूंगा अगर आपको फास्ट राइटिंग पेन चाहिए, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे लिखना तो हाथ पे डिपेंड करता है, पेन से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन गाइज आप मानिए जब भी मैं इस पेन से लिखता हूं ना, मेरी राइटिंग अच्छी तो आती ही है एंड और फास्ट हो जाती है, आई डोंट नो कैसे। तो गाइज इसका ग्रिप बोलो या इसकी बॉडी वेट बोलो तो बहुत प्रॉपरली है, बैलेंस्ड है, तो बहुत अच्छा पेन है। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी डार्क भी काफ़ी अच्छा चलता है। तो गाइज 20 रुपीज़ में ये फाइन भी है एंड डार्क भी है, तो अच्छा पेन है, रिट्रैक्टेबल पेन है। तो गाइज अब हम आ गए हमें नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो कि है बोल्ड पेन की कैटेगरी, जो थोड़ा सा थिक चलते हैं। एंड गाइज एक बात बता दूं, अगर आपको वीडियो यार अच्छा लग रहा हो, काफ़ी डिटेल कंपैरिजन है, तो आपको क्या करना है, इसको शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो एग्जाम में एक प्रॉपर पेन लेके जाएं। और सब्सक्राइब तो आप हमेशा कर ही सकते हैं चैनल को। तो गाइज नेक्स्ट पेन आ गया है हमारे पास यहाँ पे बोल्ड पेन, इन सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे गाइज हमारे पास कुछ ऑप्शन है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ 20 रुपीज़ में जो यहाँ पे मुझे बेस्ट पेन लगता है वो लगता है गाइज पेंटोनिक की तरफ से आने वाला BRT। तो गाइज सबसे मेन एलिमेंट है इसका डिज़ाइन, है ना, ड्रिवन बाय डिज़ाइन जैसा पेंटोनिक बोलता है। तो बेसिकली बहुत अच्छा मुझे लगता है पकड़ने में, इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, रबराइज ग्रिप है, एंड गाइस लिखने में भी आप देखेंगे तो काफ़ी डार्क चलता है, स्मज हल्का होता है बट दिखने में काफ़ी ज़्यादा डार्क है, यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स हैं इसके, तो काफ़ी अच्छा है मुझे पेन लगा। काफ़ी लोगों ने बोला कि इसकी इंक जल्दी खत्म होती है, तो आप इसके रिफिल्स कैरी कर सकते हैं साथ में। नेक्स्ट पेन जो गाइस, अगर आपको बेसिकली इससे हल्का सा लाइट पेन चाहिए, तो एक और ऑप्शन हमारे पास आता है अल्टरनेट फ्रॉम ऊनो मैक्स। तो दिस इज गाइस ऊनो मैक्स का अल्ट्रॉन 0.7। तो बहुत सिमिलर है ये दोनों पेन, है ना, काफ़ी सेम लगते हैं, बट मुझे ओवरऑल बिल्ड इसका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है पेंटोनिक का, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी स्मूथ चलता है ना। तो अगर आपको थोड़ी सी थिन लाइन चाहिए तो आप जा सकते हैं ऊनो मैक्स के साथ।
नेक्स्ट पेन गाइज यहाँ पे जो आ रहा है ये तो 20 रुपीज़ की बात हो गई। 10 रुपीज़ में अगर हम बात करें तो गाइज यहाँ पे मेरे को दो पेन बहुत पसंद आए, जो कि है क्लासमेट की तरफ से आने वाला ऑक्टेन फ्लो एंड दूसरा इस लग्जर की तरफ से आने वाला ट्रायोस। तो ये दोनों पेन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ग्राउंड ग्रिप चाहिए तो आप जा सकते हैं ऑक्टेन के साथ, ये कुछ ऐसा दिखता है ना, ऐसा चलता भी काफ़ी स्मूथ है, स्मच टेस्ट आप देख सकते हैं इसका। एंड गाइज अगर आपको एक ट्राइंगुलर ग्रिप चाहिए कुछ इस टाइप से, तो ट्राइंगुलर ग्रिप के लिए गाइज वन ऑफ द बेस्ट पेन मुझे लगा ये लग्जर का ट्रायोस, काफ़ी अच्छा ये चलता है, आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगा यार इससे लिख के, काफ़ी फास्ट में लिख पाता हूँ एंड डार्क भी है काफ़ी होता है। एक और पेन गाइज जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है हमारे पास लग्जर की तरफ से आने वाला लिक्वी राइट प्लस। तो गाइज अगर आपको एकदम ही ज़्यादा डार्क पेन चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डार्क, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, तो दिस इज द ऑप्शन गाइज। ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है तो अगर आपकी पर्सनल चॉइस तो ही लें इसको, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये काफ़ी स्मूथ चलता है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डार्क है, है ना, और स्मच थोड़ा थोड़ा ये करता है। एंड गाइस इसका एक अल्टरनेट पेन भी आता है यहाँ पे, लिक्यू राइट प्लस एंड लिक्यू राइट भी आता है यहाँ पे, ये तो ये दो डिफरेंस है। इस पर बेसिकली एक एंटी माइक्रोबियल कोटिंग ऐसा चढ़ी हुई है बोलता है, ठीक है, तो ये दो पेन आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे चलते हैं। तो गाइस अब आ गए हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो कि है बेसिकली बेस्ट एग्जाम पेन इन 10 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको एक मिक्सचर मिलेगा काफ़ी सारे पेन्स का, सबके अपने अपनी खूबियाँ मैं बताता हूँ एक एक करके। तो गाइस अगर आपको एक ऐसा पेन चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हो, बढ़िया चले, अच्छा ग्रेप हो, तो यहाँ पे तीन पेन मेरी नज़र में हमेशा आते हैं, जो कि है गाइस सबसे पहले एक ऑक्टेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्टेन बॉल, दूसरा पेन है हमारे पास गाइस पेंटोनिक बॉल, तो ये भी काफ़ी फेमस है, एंड द थर्ड पेन जो गाइस अभी भी ऐड हुआ है इस लिस्ट में वो है हॉजर का XO। तो गाइस ये तीन पेन काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं, है ना, चलते भी बहुत स्मूथ है, मैं एक एक करके आपको तीनों दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस ऑक्टेन, तो ऑक्टेन आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्मूथ चलता है ना, काफ़ी ये स्मूथ चलता है, आप यहाँ देख सकते हैं स्मच भी काफ़ी कम होता है इसमें, आपको यहाँ पे आपको रबराइज ग्रिप भी देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। एंड सबसे अच्छी बात है अगर आप रीफिल्स के साथ इसको लेते हैं तो काफ़ी बार इसको यूज़ कर पाएंगे, बहुत ईजिली रीफिलेबल है। दूसरा पेन मुझे जो अच्छा लगता है गाइज वो है पेंटोनिक बॉल, ठीक है, इसका जेल से ज़्यादा मुझे इसका बॉल का वेरियंट पसंद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ये स्मूथ चलता है, ठीक है, इसमें आपको ऐसा कोई रबराइज ग्रिप तो नहीं मिलता है, बट अगेन इसका होल्डिंग पॉस्चर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। थर्ड पेन जो गाइस इस लिस्ट में नया नया ऐड हुआ है वो है हॉजर का XO, तो काफी आप लोगों ने काफी रिकमेंड किया था मुझे पेन एंड मैंने टेस्ट किया तो काफी अच्छा ये पेन मुझे लगा, है ना, इसकी बिल्ड काफी अच्छी है बट यहां पे कोई रबराइज ग्रिप नहीं है, बट इवन देन इसका होल्डिंग पोस्चर मुझे काफी अच्छा लगा एंड काफी स्मूथ ये चलता है, एकदम डार्क पेन है एंड इसकी लाइंस भी बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म है, तो ये मुझे इसकी अच्छी बात लगी। तो ये तो हो गए तीन पेन्स गाइस। इसके बाद जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपको एक लाइट पेन चाहिए, है ना, इनका क्या है थोड़ा ज्यादा वेट हल्का, ज्यादा तो मुझे नहीं कहूंगा स्टैंडर्ड वेट है, बट अगर इससे भी लाइट वेट चाहिए तो गाइस यहाँ पे एक मेरा फेवरेट पेन है जो कि है सेलो की तरफ से आने वाला एस्प्रो, यहाँ पे मैवरो भी करके एक आता है तो ब्लैक कलर में आता है, तो सेलो एस्प्रो यहाँ पे पेन है आप देख सकते हैं, तो ये प्लास्टिक बॉडी है और बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मतलब इनसे हाफ वेट होगा इसका लगभग, तो पकड़ने में बहुत लाइट है, डार्क चलता है आप यहाँ देख सकते हैं, तो अच्छी बात क्या है लाइट वेट पेन हो और डार्क चले तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी लिख सकते हैं और हैंड फटीग काफ़ी कम होता है इसमें, तो एक ही ऑप्शन अच्छा बन जाता है। उसके बाद गाइस जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा इसका, तो यहाँ पे एक रिट्रैक्टेबल पेन है मेरे पास सेलो का पॉकेट, पहले मेरे पास ये रखा हुआ तो मुझे लगा क्या छोटा सा पेन है गाइस, मैंने जब इसे लिख के देखा ना, बिलीव मी जितने पेन्स मैं इस कंपैरिजन बता रहा हूँ सबसे तेज़ हैंडराइटिंग मेरी इस पेन से आई, इससे लिखना बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक दो हैंडराइटिंग अच्छी आती है, बहुत जल्दी लिख पा रहा था मैं इससे, इसकी बिल्ड बहुत लाइट है एंड बहुत ये हैंडी मुझे लगा, तो दिस इज़ द पेन अगर आपको फास्ट राइटिंग में इंटरेस्ट है एंड रिट्रैक्टेबल पेन आप ऐसा क्लिक क्लिक वाला चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर आप देखेंगे गाइस आप लोग सोच रहे होंगे यार बटरफ्लो का नाम नहीं लिया, तो गाइस हमेशा बटरफ्लो तो है ही यहाँ पे, है ना, आपने सबने यूज़ कर रखा हो तो ये बटरफ्लो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा पेन है ना। बटरफ्लो के साथ काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि ये थोड़ा उन्हें लाइट लगता है ना, आप यहाँ देख सकते हैं इसका स्ट्रोक थोड़ा लाइट लगता है, तो मैं एक ऑल्टरनेट भी आपके लिए लेके आया हूँ, अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है तो देन गुड, अगर आपको लाइट लग रहा है तो सेम टू सेम पेन आपको देखने को मिल जाता है फ्रॉम रेनॉल्ड्स। तो गाइस रेनॉल्ड्स का लिक्विड ग्लाइड यहाँ पे 0.7 पेन है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, यहाँ पे आपको ग्रिप रबराइज तो नहीं मिलती बट बिलीव मी गाइस इसकी जो ग्रिप है ना ये वन ऑफ द बेस्ट ग्रिप है, इवन प्लास्टिक है तब भी, ठीक है, बट ये प्लास्टिक है तो थोड़ा स्लिपरी हो सकता है, बट ये काफ़ी कंफर्टेबल मुझे तो लगा लिखने में। एंड गाइस ये हल्का सा डार्क भी है बटरफ्लो से, तो अगर आपको बटरफ्लो जैसा पेन चाहिए एंड थोड़ा डार्क चाहिए तो गाइस दिस कैन बी अ ऑप्शन फॉर यू, तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ये अच्छा चलता है। यहाँ पे दो और जो पेन मैं सर्च कर सकता हूँ वो है ऑक्टेन ग्लाइड और टेक्नोटिप सेलो की तरफ से आने वाला, तो बेसिकली अभी यहाँ इतने अच्छे पेन हो गए हैं, अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो ये दो भी अल्टरनेट ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं।
तो गाइस अब आ गए हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है बेस्ट एग्जाम पेन्स इन 5 रुपीज़। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाइस ये तीन पेन है। अब आप सोच रहे होंगे बस तीन ही पेन, तो गाइस हमने एक और वीडियो बना रखा है बेस्ट बॉल पेन 5 रुपीज़ का, उसमें डिटेल में पेन ही पेन है 5 रुपीज़ के, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बेसिकली जो मुझे बेस्ट लगे हैं वो लेके आया हूँ। तो सबसे बेस्ट पेन जो आप ले सकते हैं गाइस वो है रेनॉल्ड्स की तरफ से आने वाला एरो स्लिम। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा पेन लगता है, इसकी बिल्ड भी डिसेंट सी है एंड लिखने में आप यहाँ देखेंगे तो काफ़ी यूनिफॉर्म चलता है। इसमें एक इशू है कि इसमें आप इंक मॉनिटर नहीं कर सकते, तो हमेशा ऐसे पेन दो कैरी करिए, जैसे कभी ख़त्म हो जाता है तो आपके पास एक और पेन रहे। तो गाइस काफ़ी मुझे अच्छा पेन लगता है ना। ये विनर भी था 5 रुपीज़ के कंपेरिजन का, वन ऑफ द विनर्स। अगला पेन जो आता है गाइस वो आता है क्लासमेट की तरफ से आने वाला बी फर्स्ट। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा पेन लगता है, अगर आपको 5 रुपीज़ में डार्क एकदम पेन चाहिए तो दिस इज़ द ऑप्शन फॉर यू। बहुत ही सिंपल लगता है बट इसके सिंपल अपीयरेंस से मत जाइए, चलने में बहुत अच्छा है, आप यहां पे देख सकते हैं, है ना। बस इसके स्ट्रोक्स थोड़े थोड़े कई बार नॉन यूनिफॉर्म हो जाते हैं, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। एरो स्लिम में वो दिक्कत आपको नहीं आएगी, बट थोड़ा लाइट है। अगर आपको बीच का पेन चाहिए गाइस, आपको यूनिफॉर्मिटी भी चाहिए, सिंपल पेन अगर आप देख रहे हैं, तो गाइस रेनॉल्ड्स की तरफ से आने वाला ब्राइट इज अ गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेन कुछ ऐसा है, इस पर रबराइज्ड ग्रिप मिलती है आपको, सिंपल सा थिन ग्रिप है, आप ऐसे देखते हैं ये कुछ ऐसा चलता है ना, एंड स्मज भी ये ज्यादा नहीं होता है। गाइस एक और पेन जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है गोल्डेक्स का क्लासी। अब इतने सारे पेन थे पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने उस पेन को, ठीक है। तो गोल्डेक्स का क्लासी 6 रुपीज़ में आपको वो पेन मिल जाता है अगर आप एक लेते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा पेन है, बट अगेन उसमें भी आप एरो स्लिम की तरह इंक मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर आप ऐसे पेन अगर आप देख नहीं पा रहे हैं इंक टैंक को तो दो लेके जाएँ, है ना, एग्जाम में बी एक्स्ट्रा कॉशियस। तो गाइज़ अब मैं आ गया हूँ हमारी लास्ट कैटेगरी पे जो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छे पेन्स लगे। तो गाइज़ यहाँ पे आप दो पेन देख सकते हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पे एक है मेरे पास फ्रॉम यूनिबॉल एंड एक है फ्रॉम मॉन्टेक्स। गाइज़ ये मॉन्टेक्स का सिंपल सा पेन है, आपने हमारा बेस्ट 10 रुपीज़ के बॉल पेन का वीडियो देखा होगा, बहुत पहले डाला था, उसमें भी एक विनर था। अभी देखने में काफ़ी सिंपल लगता है, मोटा लगता है, बट बिलीव मी गाइज़ जब मैं इसको पकड़ता हूँ ना तो यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगुलर ग्रिप है एंड पकड़ने में ये बहुत कंफर्टेबल है यार, एंड चलने में बहुत यूनिफॉर्म है, डार्क है, इसके स्ट्रोक यूनिफॉर्म है। तो गाइज़ ये मुझे बहुत ही अच्छा पेन लगता है, दिस इज़ मॉन्टेक्स विनर 0.7 mm बॉल पेन। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा यार, बहुत ही यूनिक ग्रिप है, आप चाहे ट्रायंगुलर ग्रिप पकड़े या फिर ऐसे पकड़े, कैसे भी आप पकड़े इसको होल्ड करें, काफ़ी ज़्यादा से लिखने में कंफर्टेबल फील होता है गाइज, एंड आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ही चलता है। दूसरा पेन गाइज जो बेसिकली इस पूरे कंपेरिजन का सबसे कॉस्टली पेन है एंड जो पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है इन ऑल द बॉल पेन्स गाइज, तो वो है यूनी बॉल की तरफ से आने वाला यूनी जेट स्ट्रीम 101। तो इसका पूरा मॉडल है SXN101, ठीक है। यहाँ पे पिंक कलर में, ब्लू कलर में भी मिल जाएगा आपको, ये रिट्रैक्टेबल वर्जन है, एक नॉन रिट्रैक्टेबल वर्जन भी आता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप ये वाला लीजिए, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है यार। देखिए बहुत ही प्यारा पेन है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो निप का आपके ग्रिप से परफेक्ट है, लिखने में बहुत स्मूथ चलता है, इसमें यूनी सुपर इंक आती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी क्विक ड्राइंग पेन है, स्मज नहीं होता है, चलता भी बहुत अच्छा है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार 35 रुपीज़ में लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं रिकमेंड करूंगा गाइज आप एक पेन लीजिए एंड इसका रिफिल के साथ लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो रिफिल्स के साथ क्या होगा गाइज, ये पेन की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर पाएंगे, तो देन इसका जो MRP है 30-35 रुपीज़ वो वर्थ इट हो जाएगा गाइज। तो गाइस ये था हमारा मेगा कंपैरिजन, आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे पेन्स हम आपके लिए लेके आए थे एंड ये तो वो हैं जो विनर्स थे कंपेयर। तो गाइस इससे हमने 5 times ज़्यादा पेन्स किए थे, तो अगर आपको लग रहा हो कि यार काफ़ी मेहनत लग रही है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, तो गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही कॉन्टेंट हमें और बनाने में मदद मिलेगी गाइस, है ना। साथ ही साथ आप शेयर कर सकते हैं इसको अपने दोस्तों के साथ जिससे वो एक अच्छा पेन एग्जाम हॉल में लेके जाए, है ना। काफ़ी यूजफुल वीडियो था, है ना, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं सोचता था यार कुछ ऐसा वीडियो हो, तो अब हम लोग बना रहे हैं आपके लिए, है ना। अगर कोई क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज
मैसेज कर सकते हैं हैंडल स्टूडेंट यार्ड, वहाँ पर मैं आपकी सारी क्वेरीज का रिप्लाई दे दूंगा। और अगर कोई सजेशन हो एंड वीडियो कैसा लगा और आप इनमें से कौन सा पेन पिक करने वाले हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगा हो कि भाई किसी पेन के बारे में और आप डेटा या अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐड करिए कमेंट सेक्शन में, ये सभी लोगों को पूरी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो गाइस ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए एंड मैं मिलने वाला हूँ आपको गाइस अगली वीडियो में बहुत अच्छे कॉन्टेंट के साथ। साथ में यहाँ पे दो वीडियोज और आ रहे होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।